कोशिश कर रही थी फुलझड़ सोडा बनाने की, मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पे, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी लोग बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। पर मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करते हैं, वो लोग ना कच्ची आम से बनाते हैं, मैंने सोचा चलो वाटरमेलन से बनाते हैं, मतलब वाटरमेलन मोहितो टाइप से बनाते हैं और फुलझड़ सोडा वाला उसको थोड़ा ट्विस्ट देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, वाटरमेलन ले ली और वाटरमेलन में ही बनाएंगे, मतलब फुलझड़ सोडा वाटरमेलन में ही बनाएंगे। आप फुलझड़ सोडा बोल लो, वॉल्केनो सोडा बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हाफ वाटरमेलन ले लिया और उसका ना गुद्दा गुद्दा पूरा निकाल लो, मतलब खाली खाली ऐसा खोल जैसा रह जाना चाहिए हमारे पास, है ना। पूरा मैंने इसका गुद्दा निकाल लिया एक अलग बोल में। फिर मैंने इसके बीज निकाल लिए, जो मेरे को बहुत बहुत गंदा काम लगता है, मतलब बहुत बोरिंग काम लगता है मेरे को वाटरमेलन के बीज निकालना। पर मैंने कहा चलो यार उसमें तो अच्छे नहीं आएंगे, तो इस वजह से मैंने निकाल लिए, मैंने इतनी कष्ट कर लिया ठीक है। तो यहाँ मैंने सारे बीज निकाल दिए इसके और फिर ना इसका हाफ वाटरमेलन लिया मैंने, क्योंकि दो शॉट्स बनाने का सोच रही थी मैं, तो दो शॉट्स के लिए हाफ ही काफ़ी रहता, तो इस वजह से मैंने हाफ ले लिया इसका, ठीक है। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नींबू की स्लाइसेस, मोहितो टाइप से बना रहे हैं हम वाटरमेलन, मोहितो टाइप से बना रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू की स्लाइसेस डाल दी, थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी और पुदीना पत्ती डाल दी, फिर इसमें मैंने थोड़ी पिसी हुई चीनी डाल दी और थोड़ा काला नमक डाल दिया, और आप इसमें थोड़ी काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फिर ना इसको जो विस्क होता है ना उससे थोड़ा सा क्रश कर लो, मतलब जैसे मोहितो उसको अपन बनाते हैं, आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, मतलब ब्लेंडर में भी पीस सकते हो, पर मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना ऐसा मिक्स बीच वाले जो कंसिस्टेंसी होती है ना मेरे को वही अच्छी लगती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ब्लेंडर में भी पीस सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, मैंने फिर दो शॉट्स वाले ग्लास ले लिए और उन दोनों शॉट्स में इसको भर दिया। और फिर बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि वाटरमेलन जो खाली बचा है ना उसमें तो मैं डालूँगी सोडा, ठीक है। और फिर ना ऊपर से ये शॉट्स वाले गिलास हैं उनको डालूंगी, तो एकदम ऐसे वॉल्केनो होएगा, सोडा से जो झाग झाग निकलेंगे ना तो वैसा होएगा, मतलब सोचा तो मैंने वैसा ही था, वैसा होएगा। अभी देखो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल नई बॉटल खोली थी सोडा की, ऐसा नहीं है कि पुरानी थी, पर देखो ये क्या हुआ, मैंने डाला इस पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब थोड़े से ऐसा हुआ पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने बचा कुछ सारा इसमें वाटरमेलन मोहितो सारा डाल दिया, पर इसमें फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरा पोपट हो गया यार। पता मैं बताती हूँ आपको, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए ना कभी कभार, तो पता क्या करना, बोल देना नहीं हम तो फुलझड़ सोडा बना ही नहीं देते, हम तो वाटरमेलन मोहितो बनाया है, हमने तो वाटरमेलन मोहितो बनाया वाटरमेलन में तो वैसे कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैंने भी यार फुलझड़ सोडा नहीं बनाया, मैंने वाटरमेलन मोहितो बनाया इन वाटरमेलन, ठीक है। चलो यार, तो आज की वीडियो को शॉर्ट आउट राजीव दास को जाता है। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, थम्स अप, ठीक है। चलो बाय। हाँ, इसको ना फुलझड़ सोडा मत बोलना, इसको वाटरमेलन मोहितो बोलेंगे, ठीक है। चलो यार बाय।